दोस्तों क्या आपको पता है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग हम सभी के फोन के अंदर दिया होता है और इसके अंदर ना कई ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जिसका यूज करके आप अपने फोन की बैटरी को एक दो दिन नहीं बल्कि 4 से 5 दिन तक चला सकते हो। अक्सर दोस्तों आप लोग एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को इग्नोर करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपको पता है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग से ही दोस्तों आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो, बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो, एक दो दिन नहीं 4 से 5 दिन तक अपने फोन की बैटरी को यूज कर सकते हो। आज दोस्तों मैं आपको एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग की सभी हिडन सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो दोस्तों आप देखकर खुद दंग रह जाओगे। तो ज्यादा टाइम यहां पे नहीं लूंगा, चलिए मैं सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग अपने फोन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का यूज करके अपने फोन की बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है, नीचे जाना है, नीचे दोस्तों आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगा, इसे आपको ओपन करना है एंड इसी के अंदर आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग मिल जाती है। कई कई फोन में ये बाहर ही होती है, तो आपको कुल मिला के एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग मोड के सेटिंग देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जो फिजिकल वाला दिया है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पे आपको पहले नंबर की सेटिंग देखने को मिल जाती है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक स्ट्रेंथ, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे आपको 3 सेटिंग दी गई हैं जो दोस्तों ऑन होती है, इसे तुरंत के तुरंत आपको बंद करना है। ये आपके फोन की बैटरी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि दोस्तों आपका फोन ना चाहे आपको कॉल आए तो वाइब्रेट होता है, नोटिफिकेशन आए तो भी वाइब्रेट होता है, कोई आप टच करते हो मतलब कि कहीं पे भी आप टच करते तो भी वाइब्रेट होता है। तो ऐसे में दोस्तों फोन की बैटरी ना बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाती है, तो इसे दोस्तों आपको तुरंत के तुरंत बंद कर देना है, जिससे 10 से 15% आप लोग अपने फोन की बैटरी को बचा पाओगे। तो यहां पे तुरंत के तुरंत आप ये सभी सेटिंग को जो है बंद कर दीजिए। यहां पे आप देख लीजिए 3 सेटिंग यहां से बंद हो गई है। उसके बाद आपको यहां से बैक जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों दूसरे नंबर की सेटिंग भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। अब जब भी दोस्तों आप लोग कॉल पे बात करते हो तो कॉल को कट कैसे करते हो, कान से हटाते हो फोन को, पावर बटन दबा के डिस्प्ले को ऑन करते हो, फिर रेड बटन पे क्लिक करके अपने कॉल को डिस्कनेक्ट करते हो। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बोल सकते हो शॉर्टकट ट्रिक दी गई है, पावर बटन एंड कॉल, जिसे अगर आप यहां से ऑन कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको पावर बटन दबाना होगा। आप बात कर रहे हो, आपको सिंपली पावर बटन को दबा देना है, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आपको डिस्प्ले को ऑन करके टच करके कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे दोस्तों आपका थोड़ा बहुत तो बैटरी आसानी से बच जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले ऑन करोगे फिर टच करोगे फिर जाके कॉल डिस्कनेक्ट होगा, तो ऐसे में टाइम लगता है एंड उसमें में थोड़ा बहुत तो बैटरी यूज हो जाती है। तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर आप कॉल कट करोगे तो बैटरी थोड़ा बहुत आप बचा पाओगे। उसके नीचे दोस्तों आपको यहां पे एक ऑटो रोटेशन स्क्रीन दिया है, इसे आपको बंद कर देना है। ये ऑन करके मत रखा करो, क्योंकि इससे दोस्तों आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। ये तीसरे नंबर की सेटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑटो रोटेशन को कभी भी आप लोग अपने फोन के अंदर ऑन करके मत छोड़ना। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे ये जो विजन वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिया गया रहता है जिसका नाम है सेलेक्ट टू स्पीक। अब कई लोग अपने फोन में ना दोस्तों इसे ऑन करके रखते हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है उसे वो सेलेक्ट करते हैं तो बोल के आपका फोन उसे रीड करता है। तो ये सेटिंग से दोस्तों आपको बता दूं आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर ना दोस्तों आपके फोन का इंटरनेट बैटरी ये सब बहुत ज्यादा ये कंज्यूम करता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसे आपको बंद करके रखना है। अगर आपको जरूरत है तो थोड़े बहुत टाइम के लिए ऑन करो, लेकिन बाद में इसे आपको बंद कर देना है, ठीक है। बंद करने के बाद आपको यहां से बैक आ जाना है। ये 4th नंबर की सेटिंग हो गई। अब दोस्तों यहीं पे आपको 5th नंबर की सेटिंग भी देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा आप नीचे आओगे ना तो यहां पे आपको एक रिमूव एनिमेशन दिया गया है, आप यहां पे देख सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट बंद रहता है, तो इसे दोस्तों आपको ऑन कर देना है। इसे ऑन कर दोगे तो जो फालतू की एनिमेशन वगैरह होती है ना वो दोस्तों आपके फोन से बंद हो जाएगी, जिससे आपके फोन की बैटरी काफी हद तक सेव होगी। तो ये जो एनिमेशन होता है उसे ये रिमूव कर देता है। तो ये सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां से नीचे आओगे तो यहीं पे दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली। अब कई बार दोस्तों हम कॉल को कान पे लगा के बात कर रहे होते हैं और हमारा फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जब भी फोन गर्म होता है ना तो हमारे फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, ड्रेन होती है। तो उसे रोकने के लिए आपको ये सेटिंग
हीटिंग ऑन कर देना है, जिससे दोस्तों जब भी आपका फोन गर्म हो जाए ना तो कान के पास से आपको कॉल को हटा देनी है, नॉर्मली बात करनी है, ऑटोमेटिक जो कॉल है वो स्पीकर पे हो जाएगा। तो ये सेटिंग आपको अपने फोन के अंदर ऑन कर देनी है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर। तो यही सभी सेटिंग दोस्तों आप लोगों को आके अपने फोन के एक्सेसिबिलिटी के अंदर करना है। उसके बाद दोस्तों होगा क्या, आपके फोन की बैटरी इतना ज्यादा चलेगी कि आपको देखकर चौंक जाओगे। बहुत ही कमाल की ये सभी सेटिंग है, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह मत डाउनलोड करो, आसानी से आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर पाओगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।